हैं। ये हम आज बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र की जब यहाँ से जब आवाज एक उठेगी तो हिंदुस्तान के हर कोने कोने में उठेगी। ये हमारी ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत है। मैं आप कहना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे समय बहुत कम है, बोलना तो बहुत है, लेकिन आज हमें हमारे सदर को सुनना है, तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ मेरी बहनों को कि अब हमको अपना आरक्षण लेना है, हमें भीख नहीं मांगनी, अपना हक लेना है, जगह जगह से उठना है और अपना हक लेना है। क्योंकि अब तक हमने जो झंडा उठाया है समाजवादी का, कांग्रेस का, राष्ट्रवादी कांग्रेस का, तो सिर्फ झंडा नहीं उठाएंगे, हमारा हक हम लेंगे। वो झंडे को उठा के फेंक दो। जो लोग असेंबली में आवाज उठाते थे, अधिवेशन में कहते थे मुस्लिम आरक्षण दे दो, मुस्लिम आरक्षण दे दो, अब क्यों चुप बैठे हैं? तिबन पहिए की गाड़ी चला रहे हो, महाविकास गाड़ी ऐसे नहीं चलेगी। मुसलमान सिर्फ वोट नहीं देगा, अपना हक भी लेगा। अब कहीं बर्बाद होने की जरूरत नहीं है, अब हमको अपना हक लेना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देना है। और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए हक नहीं मांग रहे, हमारे बच्चों के लिए हक नहीं मांग रहे, हम सभी मुसलमान बच्चों के लिए 5% आरक्षण का हम हक मांग रहे हैं। आप सबको हक देना होगा, अब इनको सीधा करना होगा, इनकी आंखें कानी जो बंद है उसे खोलना होगा, क्योंकि अब बहुत हो चुका, नहीं जिएगी गुलामी की जिंदगी, हमारा हक हम लेके रहेंगे। हम सब जगह जगह से उठेंगे इंशाल्लाह, और जैसे भी हमारा हक लेंगे, अगर ये सरकार नहीं मानती है तो हम इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। आज तो ये झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, जैसे वारिस भाई ने कहा, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर ऐसा मुश्किल आ गई तो जेल भरो आंदोलन भी हम पैर उतर के कर जाएंगे रोड से। मैं आज कहना चाहूंगी जज्बा बोल रहा है, क्योंकि उनकी ताकत का जज्बा हम में आ चुका है, हम बहनों में आ चुका है, और इंशाल्लाह हम जगह जगह से बोलेंगे और इसलिए इनकलाब लेकर आएंगे और मुस्लिम आरक्षण हम हक लेकर रहेंगे। अल्लाह हाफिज। कुछ गलती